फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। गाइज, आज हम जा रहे हैं गुवाहाटी। तो आज ही जा रहे हैं मोनू को लेके। मोनू का कुछ ही प्रॉब्लम हो रही है, ये दांत को थोड़ा सा, दांत में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको लेके हम जा रहे हैं गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज। तो देखते हैं वहाँ पर जाके क्या होता है। तो गाइज, हम जाते जाते ये रास्ते में पड़ता है ये बिल, इसको दीपोर बिल कहते हैं, दीपोर बिल। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब इस गर्मी के टाइम ना यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। लोग बहुत आते हैं यहाँ पर, ठंडा ठंडा इस जगह ठंडा रहता है, बहुत ही ठंडा, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब एक पार्क जैसा बना हुआ है बिल के ऊपर में ही है, और बहुत ही लोग आते हैं यहाँ पर। मतलब सब कुछ खाने पीने का भी यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है, दुकान वगैरह है सब कुछ। और यहाँ पर लोग पिकनिक बनाने के लिए भी आते हैं, और मैसी बैठने के लिए आते हैं। बहुत जगह बहुत अच्छा लगता है और ठंडा है, बोटिंग भी करते हैं यहाँ पर, बोटिंग की सुविधा है। तो एक्चुअली यहाँ पर ईस्ट बिल है ना, वहाँ से लोग मछली निकाल के भी बिक्री करते हैं, तो बहुत सुविधा है यहाँ पर। तो गाइस, हम आते आते मेडिकल के पास पहुंच गए हैं। तो ये देख सकते हो, तो इतना ये है। मैं ये पहली बार आई हूँ इस मेडिकल कॉलेज में, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज। और यहाँ पर मैं आई हूँ, हम तीनों ही आए हैं, मैं, मनु और इसके पापा। तो आए हैं हम मनु के लिए, मनु का दांत का प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो इसको लेके आ रहे। वहाँ पर डॉक्टर दिखाए थे, मतलब हमारे यहाँ पर डॉक्टर दिखाए थे, तो उन्होंने रेफर दिया है मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पर उसको दांत दिखाना है, कि बचपन से ये दोनों का, मनु का लाली का दांत बहुत ही प्रॉब्लम करता है, और बहुत ही बार डॉक्टर दिखा चुके हैं। तो अभी फिर से आए हैं ये डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में। तो वहाँ पर जहाँ पर हम, यहाँ गुवाहाटी हम जहाँ पर रहते हैं यहाँ पर दिखाए थे, तो यहाँ पर ने कुछ नहीं किया है, बोला है मेडिकल जाओ, मतलब इतना ख़राब है। तो ये देखो, रीजनल डेंटल कॉलेज, तो यही कॉलेज है मेडिकल जो है वो पास में ही है। तो यहाँ पर गए, और फिर यहाँ है ये एंट्री है, और यहाँ पर 5 रुपया देखे उसको एक स्लिप लेना पड़ता है और एंट्री करना पड़ता है। तो यहाँ से एक स्लिप लेंगे हम, लेके फिर जाएंगे डॉक्टर को दिखाएंगे। तो ये बहुत सारे प्रोसीजर है उन लोगों को कर करके, फिर जाएंगे डॉक्टर दिखाने के लिए। तो ये है बच्चों का जो पार्ट, मतलब बच्चों को जहाँ दिखाते हैं, तो आप यही ऊपर में ही है सिस्टम। तो फाइनली हम आके डॉक्टर को दिखा दिए, तो डॉक्टर देख रहे थे, तो डॉक्टर देख के फिर मना कर रहे थे, मतलब आज नहीं होगा बोल के, मतलब आज लेट हो गया है बोल के। तो लेकिन हमने रिक्वेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने खुद ही एक्सरे कर लिया, मतलब एक्सरे करने का कोई नहीं है, सब चले गए यही बोल रहे थे। तो एक्सरे करके फिर वो दांत का जो फीलिंग है कर लिया, फीलिंग ही चाहिए होगा, तो इसलिए फीलिंग कर लिया है। इसके बाद हम पैसा वहाँ पर काउंटर में जमा करके फिर हम वहाँ से निकले, और वहाँ से पैदल निकले गुवाहाटी जो ये है। तो पैदल निकलते चलते चलते, मतलब बहुत देर तो हो रही है, तो भूख लग रही है, तो हम एक ऐसे होटल में और घुस के उसे ये खाए हैं परोठा। इसके बाद हम आ गए घर, घर आके फिर न्योता मिला हमको ये छोटी सी परी का बर्थडे। तो हम फाइनली बर्थडे में पहुँच गए हैं, मतलब ये शाम को ही था। तो गाइस, मेरे वीडियो बहुत सारे ऐसे हो रही है, उल्टा पुल्टा हो रही है, क्योंकि ये भी कुछ दिन पहले का वीडियो, क्योंकि मैं मिक्सिंग करके जान डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में से जो वीडियो बना के डाली थी वो भी मैं डाल रही हूँ, और यहाँ का भी डाल रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा मिक्सिंग हो रही है, ये उधर उधर हो रहा है। तो कुछ दिन बाद फिर से ठीक हो जाएगी, मैं सब वीडियो अपलोड कर लूँगी, तो फिर इसके बाद रेगुलर हो जाएगी, मतलब डेली ब्लॉग के। तो गाइस, उधर बर्थडे में जाके मज़ा आया, मतलब दोपहर का पूरा थकान वो बर्थडे में आके बहुत सब लोगों के साथ मिल लिया, एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों भी थे, सब ने थोड़ी देर के लिए थोड़ा सबके साथ मिल लिया, अच्छा लगा। और बर्थडे में ये छोटा सा क्यूट सा बेबी देख रहे हो ना, बहुत अच्छा है, इसको देख के सब कुछ खुश हो जाते हैं, मतलब इतना क्यूट है ये बच्चा। और इसके बाद सब बच्चे केक को खिला दिए, हो गया है बर्थडे का जो ये है प्रोग्राम।
गिफ्ट देने की पाला है, तो गिफ्ट दे दिया है, तो गिफ्ट दे देते दे, मजाक भी चल रहा था, मतलब कोई क्या क्या दे रहा है, तो ये देखो हेलमेट दे रहे, कोई तो हमने खाया कोको कोला, फैंटा, रसगुल्ला और एक काली काली सी मिठाई और एक वही क्या कहते हैं मिक्स, और उसके बाद मिक्सचर और उसके साथ केक, समोसा, समोसा चॉकलेट, बस इतना ही है, पूरा पेट फुल हो गया, पेट फुल है, मतलब अभी डिनर करने की, उधर ही डिनर हो गया, अभी डिनर की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी है, अभी ये चॉकलेट भी बाकी है, मतलब टॉफी, तो डिनर की तो अभी कोई बात नहीं, देखी देखते हैं, ये जो आईपीएल देखने वाले लोग हैं, तो शायद इनका पेट में थोड़ा सा खाली जगह है, क्योंकि वो इतना नहीं खाए, और तो हमने जितना खाए वो उतना नहीं खाए, तो इसलिए उनको पेट में थोड़ा सा जगह है, तो उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा तरह थोड़ा सा है, तो चलो आज के लिए वीडियो इतना ही, ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।